नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की हम स्टूडियो में आपको 7 बिजनेस आइडिया बताएंगे जो बहुत अच्छे हैं। यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 2023 के सबसे टॉप बिजनेस आइडिया में से होने वाले हैं। ये बिजनेस आपको कभी लॉस नहीं देने वाले हैं, ये बिजनेस हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगा। ऐसे हैं, हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिलाएंगे, नुकसान होने के इसमें कोई चांसेस नहीं है। हमेशा मार्केट में आपकी इसी डिमांड रहेगी, आपके लॉस होने के कोई चांसेस नहीं है। कौन से बिजनेस हैं, कैसे हम इस बिजनेस की स्टार्टअप कर सकते हैं, कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये बिजनेस कहाँ पर शुरू करना चाहिए, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखना, हर पॉइंट में बारीक बारीक करके समझाने वाला हूँ आपको, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है, सोलर बिजनेस आइडिया। यदि आप लोग सोलर का स्टॉक रखते हो और जो अपने किसी जो एक हेल्पर को रख के उसको अपने ग्रह पे है, किसी के भी जिनके ऑर्डर आता है उनके भी आप सप्लाई कराते हो या उनके वहाँ पे सेट करवाते हो, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। इसमें बहुत अच्छी खासी कमाई है और हमेशा ये आपका बिजनेस चलने वाला है, लॉस होने के कोई चांसेस है नहीं। गारंटी के साथ और लिखित में कह रहा हूँ कि भाई साहब, इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहने वाली है। हर एक दुकानदार आपको इसी की डिमांड के लिए बोलेगा। कुछ ही दिनों के अंदर ये आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। चाहे आपके मार्केट में शायद ये नहीं हो, तो आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करके अपने मार्केट में, अपने शहर में बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये बिजनेस हमेशा आपको प्रॉफिट दिलाएगा, नुकसान के इसमें कोई चांसेस है नहीं। नंबर दो है हमारा इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और कारें, इनके रिपेयरिंग का वर्कशॉप। यदि आपके शहर में यदि इलेक्ट्रिक बाइक का या इलेक्ट्रिक के जो कारों का कोई रिपेयरिंग का शॉप नहीं है, तो आप इसका वर्कशॉप लगा के बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मैं आपको अपने यहाँ की बता रहा हूँ कि भाई साहब, जब ये इलेक्ट्रिक बाइक के जितने भी शोरूम तो हैं, बट इनका सर्विस करने के लिए 50-40-45 किलोमीटर दूर रिपेयरिंग करने के लिए बाइकें जाती है। तो आप सोच सकते हो भाई साहब, इस चीज़ की कितनी डिमांड है। और अपने मार्केट में जाके भी देख लेना, हर टाइम आपकी इलेक्ट्रिक बाइकें बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं और अच्छी खासी सेल हो रही है। तो अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड रहेगी। इसके लिए वर्कशॉप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके मार्केट में यदि वर्कशॉप नहीं है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं और इस बिज़नेस से शुरुआत करके बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ये बिज़नेस ही आपको कभी लॉस होने का चांसेस नहीं है, हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिलाएगा, हमेशा इस चीज़ की डिमांड ही रहेगी, लॉस होने के इसमें कोई चांसेस है नहीं। ये बिज़नेस भी करना चाहो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है आपके लिए। नंबर तीन है अपना इलेक्ट्रिक बाइक का, इलेक्ट्रिक कार का इलेक्ट्रिक पंप। एक्चुअल में गाइस, ये आपका है कि जो इलेक्ट्रिक बाइकों का है, इलेक्ट्रिक कारों का है, चार्जिंग पॉइंट यदि आप लगाना चाहो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। थोड़ा सा पैसा लगेगा, बट ये बहुत अच्छी कमाई है, हमेशा आपको कमा के देने वाला है, हमेशा आपको प्रॉफिट में देगा, नुकसान होने के कोई चांसेस है नहीं। ये बिजनेस भी बहुत ही अच्छा खासा है, यदि आप लोग लगाना चाहो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। इसमें इन्वेस्टमेंट तो है बट आपको हमेशा कमा के देने वाला है। ऐसे बहुत से आपने देखे होंगे मार्केट में, भाई पेट्रोल पंप होते हैं जो कितना कमाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक से आप इलेक्ट्रिक पंप बना के, इलेक्ट्रिक पंप की शुरुआत करके आप अपने एरिया में बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये बिजनेस भी बहुत शानदार है भाई साहब, सच में बता रहा हूँ, और हमेशा इस चीज़ की डिमांड ही रहने वाली है, क्योंकि अपने मार्केट में जो इलेक्ट्रिक बाइकें, इलेक्ट्रिक कार है, शेयरिंग हो रही ना, जो बिक्री है उसकी बिक्री देखते हुए मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। इस बिजनेस को भी करना चाहो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, इस बिजनेस को बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी कमाई है। नंबर हमारे चार हैं जो अपने डिजिटल टॉय। एक्चुअल में गाइस, डिजिटल टॉय गेम है ये, जो आप अपने जो भी एरिया में छोटी सी एक शॉप लेके, छोटा सा एक वहाँ मॉल वॉल में लेके भी आप रेंट पे दुकान लेके भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि वो भी चीज़ नहीं है तो आप किसी भी जो अपने एक पार्क में लगा के सकते हो, या पार्क में छोटा सा अपना एक स्टूडियो बना के, या छोटा सा एक पर्दा तान के भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। यदि वो भी नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप अपने जो भी वहाँ पे पार्क में आने वाले हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो अपने वाले आने वाले बच्चे हैं, टॉय वाले हैं, उनके साथ भी आप ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पार्क में जो भी लोग आते हैं वो हमेशा जो अपने पिता को लेकर आते हैं, अपनी मम्मी को लेकर आते हैं, तो ये बिज़नेस को आप मेरे हिसाब से करना चाहें तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको ज़्यादा जो टॉय गेम वगैरह खिलाने का बहुत अच्छा बिज़नेस है, इससे आपकी अच्छी कमाई होगी। आप डिजिटल टॉय भी कर सकते हो, या आपके पास में नॉर्मल टॉय हैं उसके साथ भी आप जो बच्चों को खिला के बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये बिजनेस हमेशा आपको प्रॉफिट दिलाएगा, लॉस होने के इसमें भी कोई चांसेस है नहीं है। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमेशा आपको ये कमा के देगा, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यदि आप लोग करना चाहो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, कम पैसों के साथ में बहुत अच्छी कमाई होने वाली है इस बिजनेस से। नेक्स्ट हमारा जो बिजनेस आइडिया है, जो नंबर पाँच, वो हमारा गेम का है। एक्चुअल में गाइस, ये गेम है जो ड्रोन का है। ड्रोन में जो छोटे छोटे जो 4,000, 5,000, 3,000, 1,000 रुपये में आपको ड्रोन मिल जाएंगे, एक्चुअल में रिमोट वाले ड्रोन, उनको यदि ये जो अपने नदी है या कहीं पार्क में ये आप लगा के अपने को बिजनेस को स्टार्टअप करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि पार्क में जो लेडीज़ वगैरह आती हैं, अपने बच्चों को लेने आती हैं और या खिलाने के लिए भी आती है, तो मेरे हिसाब से 10-20 रुपये, 30 रुपये यदि एक ड्रोन से भी आपको मिल रहा है कम से कम, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप 1,000-2,000 रुपये आराम से इजीली तरीके से कमा सकते हैं, यदि एक बच्चे से भी। बहुत अच्छा बिजनेस है, हमेशा आपको कमा के देने वाला है, एक बार आपका इन्वेस्टमेंट है बट आपको कमा के लाइफ टाइम देने वाला है। यह बिजनेस बहुत अच्छा खासा है, इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहो तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, हमारा जो नंबर 6 पे है,
गिफ्ट का है या टॉय की शॉप। एक्चुअल में गाइस गिफ्ट की आप खोलोगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि गिफ्ट की हमेशा डिमांड रहती है, और इसके साथ में अपने टॉय की भी आप बिजनेस को स्टार्टअप करके शॉप को ओपन करोगे तो बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। अपने मार्केट में यदि टॉय की या जो अपने खिलौनों की या जो अपने गिफ्ट की दुकान नहीं है, तो मेरे हिसाब से यदि बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत अच्छी खासी कमाई होने वाली है। इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, हमेशा इस चीज़ की डिमांड ही रहेगी, लॉस होने के भी इसमें कोई चांसेस है नहीं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में अपने को जहाँ लगाना है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपको बिजनेस को बढ़ाना है, एक साथ स्टॉक नहीं लाना है। ये बहुत से बड़े जो लोग गलती कर देते हैं, वो 2 लाख 4 लाख 10 लाख का माल लेकर आ जाते हैं, फिर सेलिंग नहीं होती है तो उनका दिमाग खराब होता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस को ग्रोथ कराना है, फिर जब आपके पास में अच्छी खासी कमाई हो जाए तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लग जाओगे, बहुत अच्छी कमाई करने लग जाओगे। ये बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है, हमेशा आपको कमा के देने वाला है। दोस्तों हमारा जो लास्ट का है और नंबर 7 है, ये बिजनेस एक्चुअल में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ये बहुत अच्छा है, हमेशा मार्केट में डिमांड रहेगी, आपको लॉस होने के इसमें भी कोई चांसेस है नहीं। ये बिजनेस एक्चुअल में ये है कि अपना मेडिकल का है, मेडिकल शॉप खोल सकते हो या आप क्लिनिक खोल सकते हो, दोनों एक साथ भी इंक्लूड करो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिलाएगा, लॉस होने के इसमें भी कोई चांसेस है नहीं। यदि आपके पास में मेडिकल खोलने के लिए आपके पास में कोई नर्सरी का ऐसा जो आपको डॉक्यूमेंट आपके पास में कंप्लीट नहीं है, तो आप किसी भी जो अपने फ्रेंड सर्कल है या ऐसे के जो किसी व्यापारी को रख सकते हो या ऐसे किसी जो जॉब करने वाले बंदे को रख सकते हो जिसके पास में ये सब चीज़ें मेडिकल की कंप्लीट है, उसको आप रख के हायर करके उसको जॉब दे के आप अपने इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट उसको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, और किसी जो डॉक्टर वगैरह से जो आपको साइन कराने पड़ेंगे, मेडिकल का अथॉरिटी लेने पड़ेगी आपको शॉप ओपन करने के लिए। जब आपका एक बार चलने लग जाएगा मार्केट में तो बहुत अच्छी खासी कमाई करने लग जाओगे। ये बिजनेस हमेशा आपको कमा के देने वाला है, हमेशा इस चीज़ की डिमांड रहेगी, हमेशा आदमी है जो बीमार होते पड़ते हैं, और ये बिजनेस हमेशा आपको लाइफ टाइम कमा के देने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको 7 बिजनेस आइडिया बताए हैं, इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट में बताना, और अपने जो भी साथी लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, हो सकता है कि उनको अच्छा सा एक बिजनेस आइडिया लग जाए और वो भी अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर पाए। अपने जो भी साथी लोग हैं उनके साथ शेयर कर देना, और मिलते एक नए शानदार बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।